प्यारे बच्चों, वाव, चलिए आज हम सब देखते हैं कि क्या होता है। सिट्टू बिट्टू जैसा कि हम सबों को अभी तक नज़र तो नहीं आया है। वाव, अभी तो हम लोगों को जीजा जी मिले हैं और जीजा जी तो देखते हैं पगड़ी बांध के और तिलक लगा के कहीं जा रहे हैं। वाव, द रैबिट, बहुत प्यारा रैबिट है। रैबिट कैसे चलता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अरे ये उससे पहले इधर तो खाने का इंतज़ाम किया गया है। हम लोग तो खाना खा के आए हैं घर से, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा क्यों कर दिए? पूछ लेना चाहिए ना हम सबसे कि खाना खाएंगे या नहीं। अच्छा खा लीजिए ना अंकल, क्या हुआ? अच्छा चलो चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। ऐसे क्या बनाई है? अरे क्या बनाऊंगी, चिकन बनाई हूँ, छोले भटूरे बनाई हूँ, और क्या बनाई है, और चिकन पकौड़ा भी बनाई हूँ। ओके अच्छा ऐसा करो, तुम लोग निकालो, मैं थोड़ा सा इधर सविता दीदी के घर से आता हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे से मिल के, जोया चिक्की राधा और गुड़िया और मुन्नी से और सविता से और सुहाना से। ओके ठीक है अंकल, बाय बाय, थोड़ा जल्दी से आइएगा क्योंकि चिकन पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। ओके चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम सब अभी आ चुके हैं राधा दीदी के घर पे। राधा दीदी की ये छोटी वाली बहन है, ये बड़ी वाली राधा टाटा बाय बाय कर रही है। अरे टाटा टाटा कैसी है बेटा? अंकल मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके बेटा मैं तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो आपके घर पे घूमने आए हैं और देखते हैं कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। थैंक यू, बहुत खुशी हुई। अंकल बैठिए ना, चाय पी के जाइएगा। नहीं बेटा अभी तुरंत सविता दीदी के घर पे, वहाँ खाना लग रहा है, हम लोग खाना वहीं खाएंगे। और देखिए ना ज़बरदस्ती वो लोग बोल दिया खाना खा के जाइएगा। अरे चलिए ना अंकल मेरे घर पे भी थोड़ा सा खा लीजिए। नो नो नहीं खाएंगे, अभी वहाँ सविता दीदी के यहाँ खाना लग रहा है। अच्छा अंकल थोड़ा सा ही खा लीजिए। अच्छा इसे क्या बनाई है? अरे मैं क्या बनाई हूँ, रोटी सब्जी बनाई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा दही भी है और थोड़ा मिठाई भी है। ऐसा करते हैं कि खा लीजिए ना। नहीं देखिए देखिए सुहाना, बात माना कीजिए, मैं सविता दीदी के यहाँ खाना निकालने के लिए कह चुका हूँ अभी। अच्छा ओके सुनिए, अगली बार आइएगा तो मेरे घर पे खाना खाइएगा, ठीक है? मैं आपके ही घर पे खाना खाऊंगा। ओके ठीक है अंकल। और ये मुर्गी किसकी है? अरे अंकल ये मुर्गी तो पापा लाए थे, पापा गए थे ना कलकत्ता, वहीं से दो बतख और मुगरी लाए थे। नो 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 मुर्गी। ओके वाह, ये गाड़ी किनका है? बहुत प्यारा गाड़ी है। अरे आपने जानते हैं पापा इसी बार तो ये धनतेरस में नई गाड़ी खरीदे हैं। ओके यही गाड़ी खरीदे हैं, वाह सच में बड़ा प्यारा गाड़ी है। और पतलू अंकल नज़र नहीं आ रहे हैं। अरे पतलू अंकल इधर होंगे कहीं। अरे क्या हुआ पतलू अंकल इधर होंगे कहीं, बेवकूफ़ समझता हमको क्या बे? नहीं सॉरी सॉरी, हमने आपको देखा नहीं था। अरे मैं इधर खाना खाने गया था और खाना खा के थोड़ा सा उधर खेत की तरफ गया कि देखा उधर तो कुछ तो हो तो नहीं रहा है, लेकिन देखा उधर ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके पतलू अंकल आप तो देखते हैं कि मोटा नहीं रहे हैं, हमेशा पतला ही नज़र आते हैं। अरे बेवकूफ़ कितना मोटा होऊंगा, बहुत फिट हूँ, ज़्यादा मोटा जाऊँगा मोटू भाई की तरह तो मुझे दिक्कत होंगी। वाह बिल्कुल सही बात कहा आपने। और चलिए फटाफट हम लोग यहाँ खाना खाने बैठते हैं। और चलिए खाना से भी हम लोग फारिग हो चुके हैं, चलिए हम लोग भी खाना खा चुके हैं और खाना खा के रेडी हो चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा आप लोग चेयर साइड कीजिए, हम लोग निकलेंगे। ओके चलिए, यहाँ खाना का बहुत सारा सा आइटम था और हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया। बहुत प्यारा प्यारा व्यंजन पकाई थी और वाकई में सविता दीदी का व्यंजन तारीफ करने लायक था, बहुत प्यारा था और टेस्टी, वाह बहुत टेस्टी था। जैसा कि हम लोगों ने सविता दीदी के घर पे अभी अभी नाश्ता और खाना दोनों किया है, और सविता दीदी घर पे हैं तो नहीं है, सिट्टू बिट्टू भी कहीं गए हुए हैं। चलिए आई होप दोस्तों वीडियो तो पसंद आया। अरे प्यारे बच्चों क्या देरी कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो प्यारे बच्चों और बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर दो और लाइक का बटन भी दबा दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।